नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। आज हम 18वां श्लोक करेंगे तीसरे अध्याय का। और इस श्लोक में अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन नैव तस्य कृते नार्थो, किसके बारे में कह रहे हैं भगवान? एक लिबरेटेड सोल के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताया था यस्त्व आत्मरति एव स्यात्, कि जो अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है। आत्माराम व्यक्ति के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करने के लिए जरूरी नहीं है, बट स्टिल वो करता है लोक कल्याण के लिए। वो अगले श्लोकों में डिस्कस होगा। और यहाँ पे भी भगवान अब यही बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न एव तस्य कृतेनार्थो, के कार्य करने के पीछे कुछ अर्थ नहीं होता, कोई उस लाभ के लिए वो कार्य नहीं करता। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके ट्रांसलेशन में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कहने का अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं ना एव तस्य कृतेनार्थो, कि कृतेनार्थो उस वो जो कार्य करता है, जो सेल्फ रियलाइज सोल होता है, जो लिबरेटेड सोल होता है, वो कार्य करने का उसका कुछ लक्ष्य नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, पॉइंट ही है। और न अकृतेन एह कश्चन, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, मतलब वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ नहीं करेगा ऐसा भी नहीं है, वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करेगा लेकिन निस्वार्थपूर्ण करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने अपना विष्णुप्रिया और अपनी माँ शची देवी को छोड़ के निकल गए, संन्यास लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ छोड़ी, माँ के प्रति कर्तव्य था, जो हाउस होल्ड लाइफ थी, गृहस्थ आश्रम की जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी, सब छोड़ छाड़ के वो निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ी अपनी निस्वार्थता के लिए, लोक कल्याण के लिए। अर्जुन यहाँ पर अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़ना चाह रहा था अपने स्वार्थ के लिए, उससे कोई लोक कल्याण नहीं होना था, उल्टा लोक का अहित होना था। इसलिए अर्जुन का वो एक्शन निंदनीय था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को डांटा कि बेवकूफ तू कर क्या रहा है, तेरे ऐसा करने से तो पूरी दुनिया ही गड्ढे में चले जाएगी। ऐसा तो करना निंदनीय है, तुम स्वधर्म अपना छोड़ोगे, नर्क में जाओगे। इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। और चैतन्य महाप्रभु का जो एग्जांपल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी छोड़कर दूसरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी में एंटर कर गए संन्यास आश्रम की। क्यों? क्योंकि उससे लोक कल्याण होना था, अर्जुन के उससे लोक कल्याण थोड़ा होना था। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। और फिर भगवान कह रहे हैं कि ना चास्य सर्वभूतेषु, उसे किसी अन्य जीव पर कश्चित अर्थ व्यपाश, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर भी रहने की आवश्यकता नहीं है एक सेल्फ रियलाइज सोल को। यह कहने का अर्थ ये है कि वो दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है, उसकी ये मेंटेलिटी नहीं होती। उसको पता है कि अगर मैंने किसी से कुछ मांगा भी अपना जीवन यापन के लिए, तो वो मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि भगवान ने उसको कन्विंस किया है कि इसको दे, क्योंकि मेरी सेवा में लगा हुआ है। उसके अंदर माइंड में उसका जो मेंटल सेटअप होता है वो इस तरह से होता है, हमेशा वो कृष्ण कॉन्शियस होता है, उसको पता है कि कृष्ण ही इसके द्वारा मुझे वस्तु दे रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण कॉन्शियस होता है। वो लोगों के कॉन्शियस नहीं होता कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेठ आया तो उसके पीछे भाग गए, कोई गाड़ी से उतरा, अरे सेठ जी सेठ जी सेठ जी आप हमारे डोनर हो, ये हो वो हो, नहीं, ठीक है डोनर हो आप अपनी जगह हो, बट पॉइंट ये है कि हमें ये पता होता है, डिवोटीज़ को ये पता होता है कि अल्टीमेटली भगवान ने ही उस डोनर को भेजा मंदिर में, नहीं तो उसको कहाँ से सपना आएगा। भगवान ने ही प्रेरणा दी है कि तुम ऐसी जगह पर जाओ और वहाँ भक्तों को दान दो, ताकि क्योंकि भक्त मेरा भजन कर रहे हैं और उनकी जाके हेल्प करो। तो वो भगवान ही प्रेरणा देने वाले हैं। एक प्योर डिवोटी को ये हमेशा ध्यान में रहता है, लेकिन जो प्योर डिवोटी नहीं होता वो सोचता है यार वो फिर चापलूसी करता है। लेकिन जो प्योर डिवोटी होता है वो कभी किसी की चापलूसी नहीं करता। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो चापलूसी करता है
वो ना कभी प्रचारक बन सकता है ना गुरु बन सकता है, मैं अल्टीमेटली वो प्रचार नहीं कर सकता जिसको चापलूसी का शौक है। तो वही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता अपनी क्रियाएं करने के लिए। माधवेंद्रपुरी तो फॉर एग्जांपल वो तो परमहंस वैष्णव थे, माधवेंद्रपुरी तो कभी किसी से कुछ मांगते भी नहीं थे, अपने आप को दे दे तो दे दे, वो तो बिल्कुल ही एक अलग ही बिल्कुल परमहंस स्टेज थी। तो माधवेंद्रपुरी भी अपनी संन्यास आश्रम की ड्यूटीज़ फॉलो कर रहे थे। ऑल दो माधवेंद्रपुरी को अपने संन्यास आश्रम की ड्यूटीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल माधवेंद्रपुरी या जनक महाराज भी, आगे के श्लोकों में आएगा, जनक महाराज भी अपनी ड्यूटीज़ फॉलो कर रहे थे लोक कल्याण के लिए, कि लोगों को पता चले कि कैसे वर्णाश्रम के अंतर्गत रहते हुए भी भगवान को अपना हृदय शुद्ध होता है वर्णाश्रम के अंतर्गत सेवा करने से, और उससे भगवान खुश होते हैं, और जब भगवान खुश होंगे तो उससे हृदय शुद्ध होगा और हम फिर प्योर डिवोटी बनेंगे। तो इस तरह से वो सिखाते हैं हमें। तो ये भास यहाँ पर कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। वो किसी मनुष्य की शरण भी ग्रहण नहीं करेगा और देवता की भी नहीं करेगा। ये नहीं कोई मुसीबत आए तो देवी देवता के पास भाग गए, वो भी नहीं करेगा वो। तो इस तरह से है, वो कोई मुसीबत आएगी तो वो देवी देवता के पास भी नहीं भागेगा और भगवान कृष्ण से भी उस मुसीबत को हटाने के लिए नहीं कहेगा। प्योर डिवोटी ये होता है, ये नहीं कि देवी देवता के पास नहीं भागे तो चलो भाई हम अपने भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं हमारी मुसीबत हटा दो। नहीं, भगवान को अपनी छोटी छोटी हमें निजी प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी ना तंग करना चाहिए। एक प्योर डिवोटी कभी तंग नहीं करता भगवान को, अपनी निजी प्रॉब्लम्स के लिए तो करता ही नहीं है। तो ये इस तरह के शुद्ध भक्त हमें बनना है, ये भगवान यहाँ पर शुद्ध भक्त की ही बात कर रहे हैं, जो टोटली निष्काम है। कृष्ण भक्त आर निष्काम अतएव शांत, ऐसे शुद्ध भक्त की यहाँ पर चर्चा हो रही है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की।